नमस्ते दोस्तों, हार्ट अटैक से बचे दिल कीजिए आयुर्वेद के हवाले। विश्व की आदि से ज्यादा का एक हिस्सा हृदय रोग से पीड़ित है, जो अनियमित भोजन, अनियमित दिनचर्या के साथ फास्ट फूड, अत्यधिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से एसिडिटी, गैस, उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह जैसे रोग के साथ हृदय रोग की उत्पत्ति करता है, जिसमें एंजाइना पेन, हार्ट अटैक, आर्टिचोक, ब्लड प्रेशर जैसे प्रमुख रोग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ के अत्यधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है, जो रक्त वाहिनी के सिराओं में मोम की तरह जमा होकर रक्त की प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सांस लेने में कठिनाई पैदा कर एंजाइना पेन को जन्म देता है। इसमें यकृत, लीवर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो प्रोटीन, ग्लूकोज आदि पदार्थों को घुलनशील बनाकर स्वास्थ्य के उपयोगी बनाती है। आर्टिचोक में 60 से 85% रोगी आयुर्वेद के उपचार तथा खान पान को नियंत्रित कर बिना किसी शल्य क्रिया के आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। अनियमित खान पान तथा लंबे समय तक कब्ज की स्थिति में जब भोजन का पाचन नहीं होता और भोजन तथा अन्य पाचन अंगों में एकत्र होकर सड़न पैदा कर देता है, जिससे एक प्रकार के विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और वह रक्त के साथ यूरिन एसिड में परिवर्तन होकर गुर्दों में जाकर छनन क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। जब किडनी से छनन क्रिया भरपूर ढंग से नहीं हो पाती, यूरिया, प्रोटीन तथा अन्य द्रव्य रक्त के साथ साथ हृदय में पहुंच जाते हैं, जिससे रक्त में गाढ़ापन आ जाता है। नतीजे में आंखों के नीचे, पैरों में तथा घुटनों में सूजन के साथ संधिवात तथा उच्च रक्तचाप की वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में एलोपैथी चिकित्सक लैसिक्स तथा अन्य हाई डोज दवाएं लेते हैं, जिससे रोगी में पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। इससे प्रोटीन, कैल्शियम जैसे आवश्यक तत्व शरीर से बाहर हो जाते हैं और रोगी अत्यंत कमजोर महसूस करता है, कमजोर हो जाता है और तब रोगी को प्रोटीन युक्त पदार्थ तथा इंजेक्शन देना पड़ता है। आयुर्वेद में सामान्य रूप से अरंडे का तेल की 25 ml की मात्रा से उसकी स्थिति ठीक हो जाती है और सारे लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह लंबे समय तक
बढ़ा हुआ रक्तचाप हृदय वृत्ति या हृदय प्रसार को जन्म देता है, जिससे हृदय का नीचा हिस्सा बढ़ जाता है और परिणाम यह होता है कि शुद्ध रक्त फेफड़ों तथा मस्तिष्क में भेजने वाले वाल्व जल्दी नहीं खुल पाते, जिससे रोगी सांस लेने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति मैरोंगी को धीरे धीरे तथा लंबी सांस के साथ दोनों हाथ ऊपर नीचे करने चाहिए, जिससे वाल्व खुल जाते हैं तथा रक्त का संचार होने लगता है और रोगी राहत महसूस करता है। भोजन के साथ अदरक लहसुन सौंठ मिर्च पीपल लौंग तेजपत्ता सेंधा नमक का उपयोग करें। रात्रि में दूध में उबलते समय छोटी पीपल जायफल तथा हल्दी का चूर्ण 2-2 ग्राम केसर के साथ डालकर सोने से पूर्व प्रयोग करें। खान पान में पुराना गेहूं जौ चना अंकुरित दालें मूंग की दाल मसूर की दाल सेम मटर की फली बीन्स फलों में पपीता अनार मुनक्का अंगूर आदि पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। ये घुलनशील रेशेदार खाद्य पदार्थ ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। वहीं प्रातः रात्रि अर्जुन नाग केसर दालचीनी रोग पुष्कर मूल जटामासी तथा युगल शुद्ध शिलाजीत युक्त औषधि रोगी को मुक्त कर दीर्घजीवी बनाते हैं। आपको क्या क्या चीज जो से परहेज करना चाहिए? हृदय रोगी मांसाहार धूम्रपान शराब इत्यादि ज्यादा ज्यादा चाय कॉफी फास्ट फूड जंक फूड सांस तली सब्जियां चिप्स डिब्बा बंद भोजन चीज खोया मलाई मक्खन तथा अंडे की जर्दी नारियल का तेल चॉकलेट आइसक्रीम आदि से बचे। अपने हृदय को रोग से बचाने हेतु तनाव मुक्त प्रसन्न रहे। शाकाहार योग तथा प्राणायाम के जरिए निरोग रह सकते हैं। अगर आपको ये सारे प्रयोग करने हैं आयुर्वेद के निष्णात के पास या किसी आयुर्वेद डॉक्टर की देखरेख में करें।